लीलातांडव पंडित नूतना जलधर रुचये कोप बधूटे दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्य बीजाय ओम शांति शांति शांति। चलो पृथ्वी का लक्षण चल रहा है ना। हाँ 35 नंबर कारिका है। तो ये जो कहा हाँ ठीक है 35 नंबर कारिका ना। तो 35 नंबर कारिका में हाँ तत्र क्षितिर गंधर हेतु नाना रूपवती मता नाना रूपवत्तम ये लक्षण है। पहले तो पहला लक्षण हुआ गंध समवाय कारणत्वम नहीं अथवा गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम है कि नहीं। क्या है लक्षण गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम नहीं। हाँ दूसरा लक्षण क्या हुआ नाना रूपवत्तम। क्या है नाना रूपवत्तम। तो नाना रूपवत्तम करेंगे तब तो भाई क्या बोलते हैं अव्याप्ति हो जाएगी। जहाँ पर नाना रूप नहीं है एक ही रूप है वहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए क्या कहा रूप द्वयवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम ऐसा कहा ठीक है ना। हाँ जैसे घड़ा है कच्चा घड़ा है कृष्ण रूप है हाँ और उसमें ही तुरंत फट फूट गया अनेक रूप तो हुआ नहीं उसमें तो लक्षण गया नहीं है कि नहीं। हाँ इसलिए क्या किया रूप द्वयवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व जातिमत्वम पृथिव्याह लक्षण ऐसा करेंगे है ना। तो रूपद्वयवत तो यहाँ पर जो है ना जो रूपद्वयवत रूपद्वय वाला कौन हो गया रूपद्वय वाला किसको लेंगे रूपद्वय वाला है जानते हैं क्या कहते हैं आप मान लीजिए जैसे घटपटादी हो गया ऐसा हो गया समझ में ना। तो दो रूपा हो अच्छा लेकिन ऐसा है सुनो वैशेषिक के अनुसार रूपा कहाँ पर उत्पन्न होता है हैं रूपा उत्पन्न होता है परमाणु में कहाँ पर हाँ परमाणु में। इसलिए रूपा द्वयवत कौन हो जाएगा परमाणु क्या कह रहे हो वैशेषिक अनुसार तो परमाणु में ना वैशेषिक अनुसार रूप कहाँ पर उत्पन्न होता है पार्थिव परमाणु में होता है हो गया ना। क्या हुआ न्याय के अनुसार अवयवी में होता है घट में भी होता है न्याय के अनुसार और वैशेषिक के अनुसार परमाणु में होता है ठीक है ना। इसलिए रूपद्वयवत वृत्ति के वैशेषिक अनुसार कौन हुआ परमाणु ले लो पार्थिव परमाणु। तो रूपद्वयवत वृत्ति हैं तो उसमें रहने वाली जाति कौन सी पृथ्वीत्व जाति के द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व हैं तो जाति मतलब सकल पृथ्वी में चला जाएगा। लेकिन वैशेषिक के अनुसार रूपद्वयवत कौन होगा रूपद्वयवत कौन होगा परमाणु होगा कि घट होगा संदेह वैशेषिक बोला न्याय न्याय नहीं न्याय न्याय के अनुसार न्याय के अनुसार रूपद्वयवत कौन होगा नहीं नहीं घट होगा हाँ है ना घट में मानते हैं ना पीठर में ना क्या कह रहे हो हाँ पीठर तो बोलते हैं ना इसलिए घट ये रूपद्वयवत हाँ रूपद्वयवत हो गया घट न्याय के अनुसार
जिस घट में दो रूप होता है ना, पहले कृष्ण रूप था, बाद में रक्त रूप हुआ, तो रूपद्वयवत हो जाएगा घट। किसके अनुसार? न्याय के अनुसार। हाँ, तो तद्वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति, जाति में उत्तम सकल पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लक्षण करने पर भी गौरव दोष बताया मैंने, समझे? क्या दोष बताया? गौरव दोष। हाँ, कैसे गौरव हुआ सुनो। जैसे रूपोदय बोल देना, रूप में द्वय, रूप में द्वित्व संख्या रहेगी, रहती है रूप में, रूप में द्वित्व संख्या रहती है क्या? नहीं रहती है। गुणा गुणानंगीकार है कि नहीं? गुण में गुण नहीं रहेगा ना। हाँ, तो रूप द्वय बोल दिया, तो रूप में जो द्वित्व संख्या, वो तो द्वित्व संख्या नहीं रहेगी, इसलिए रूप में जो द्वित्व क्या है, संख्या नहीं है। अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व, जैसे चतुर्विंशति गुणा कहा ना, अयम एक अगले 24 हो जाएगा, इसलिए अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व यही चतुर्विंशति, चतुर्विंशतित्व। इसी प्रकार से रूप में यह द्वित्व क्या है, यही है अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व। तो तद घटित लक्षण हुआ ना, तद घटित लक्षण हुआ ना। हाँ, इसलिए बहुत लंबा चौड़ा हो गया भाई, गौरव दोष हो गया, इसलिए छोटा लक्षण करो। इसलिए कहा रूप नाशवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वस्य वा बाच्यत्वात्, इसलिए कहा यहाँ पर गौरव दोष न हो, इसलिए ये रूप दो दो न दो, यहाँ पर रूप नाशवत कर देंगे, समझ में ना? तो रूप नाशवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्व, रूप नाश होता है ना, रूप का नाश होता है कि नहीं? अच्छा, रूप का जो नाश होगा है ना, तो वैशेषिक अनुसार पाक कहाँ पर होता है? परमाणु में होता है कि नहीं? है, पाक जो होगा वैशेषिक अनुसार परमाणु में होता है, परमाणु के साथ तेज का संयोग हो जाएगा, इसलिए उसमें रक्त जो रूप था उसका नाश हो जाएगा, तो रूप नाशवत कौन हुआ? परमाणु हो गए। किसके अनुसार? वैशेषिक के अनुसार। देखो आगे लिखा है ना, वैशेषिक नए पृथ्वी परमाणु रूपनाशस्य रूपांतरस्य सत्वात्, उसमें रूपांतर रक्त रूप हो गया, है कि नहीं? ये रूप नाशवत हो जाएगा वैशेषिक के अनुसार, पार्थिव परमाणु रूप नाशवत हो जाएगा, पार्थिव परमाणु तद्वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति हो जाएगा, पृथ्वीत्व जाति जातिमत्तम सकल पृथ्वी में जाएगा। और नैयायिकों के अनुसार रूप नाशवत कौन होगा? रूप का नाश घट में होगा, पिठर पाक है ना, पिठर पाकवादी ना नैयायिक लोग है ना, पिठर पिंड, घट में रूप का नाश होता है, इसलिए पाक हो गया घट में है ना, इसलिए पाक होने पर रक्त रूप का नाश हो जाएगा है, तो रूप नाशवत हो जाएगा घट, तो रूप नाशवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति हो जाएगी, पृथ्वीत्व जाति जाति मत्तम सकल पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अच्छा, आगे देखो, उसके बाद 35 नंबर श्लोक देखो। षड्विधस्तु रसस्तत्र गंधस्तु द्विविधो मतः। हाँ देखो, 6 प्रकार का रस बोल दिया भैया, 6 प्रकार के रस होते हैं है ना, तो तत्र मतलब पृथिव्याम, पृथ्वी में 6 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है ना? 6 प्रकार के रस होते हैं मतलब क्या है? एक साथ कहीं 6 प्रकार के रस मिलेंगे ऐसा नहीं। मतलब 6 प्रकार के रस जो है वो पृथ्वी में मिलते हैं, ये तात्पर्य, ठीक है ना? कहीं मधुर, कहीं अम्ल, कहीं कुछ है, ये तात्पर्य है, ठीक है? तो ये हो गया षड्विधस्तु रसस्तत्र, और
गंधस्तु द्विविधो मतः, गंधा दो प्रकार की होती है, सुरभि गंध और असुरभि गंध है, ये दो प्रकार की गंध तो पृथ्वी में होती है, ठीक है ना भाई। अच्छा देखो मुक्तावली में देखो क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी में षड्विधा, पृथ्वी में जो रस होता है तो पृथ्वी के रस में षड्विधत्व है, पृथ्वी के रस में क्या है, षड्विधत्व, षड्विधत्व है ना। हाँ इसको कह रहे हैं बोले मधुरादि भेदेना यह षड्विधो रसः, मधुरादि के भेद से छह प्रकार के रस होते हैं, स पृथिव्यामेव मधुरा अम्ला लवणा कटुकषाय तिक्त, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद जले जले मधुरा एव रस, जल में तो मधुर रस ही रहता है, दूसरा रस नहीं होता है। हाँ तो जिस जल में अम्ला आदि दिखते हैं वो पृथ्वी का ही है ना, तो पृथ्वी में जो अम्लादि रस है ना, वो रस जल में दिखता है, किस संबंध से रहेगा, स्व समवायी संयुक्त तत्व संबंध से, कि नहीं। अम्ल रस जल में किस संबंध से जाएगा, संयुक्त तत्व, स्व हो गया अम्ल रस, उसका समवायी हो गया पार्थिव कण का संयोग हो जाएगा किसके साथ, जल के साथ, ये स्व समवायी हो गया पार्थिव, उसमें संयुक्त हो गया जल, इसलिए संबंध हो रहेगा स्व समवायी संयुक्त तत्व संबंध, ठीक है नारायण, ठीक है। अच्छा समवायी संबंध से तो है ना, समवायी संबंध से अम्लादि रस तो जल में ही रहते हैं, ठीक है ऐसा बोल रहे। आगे चलो आगे क्या कहते हैं, अत्रापि देखो यहाँ पर कह रहे हैं बोलते, आपने जो कहा ना षड्विधस्तु रस सत्र, षड्विध रस मतलब नाना रस है कि नहीं, तो नाना रसवत्तम पृथिव्या लक्षण करेंगे है ना, तो तब यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, अव्याप्ति हो जाएगी, जहाँ पर अनेक रस नहीं होता है, लक्षण करोगे नाना रसवत्तम पृथिव्या लक्षणम, तब तो अव्याप्ति हो जाएगा ना, जहाँ पर नाना रस नहीं है। मान लीजिए आम का फल है, आम का फल खट्टा है, और खट्टा को ही तोड़ दिया, कोई खा लिया, मान लो चटनी बना दिया तो कितना रस है वहाँ, एक ही रस हुआ, तो नाना रस कहाँ हुआ, लेकिन पकने के बाद ना जो है मीठा होगा, अभी तो एक ही रस है और क्या, तो इसलिए नाना रसवत्तम पृथ्वी में नहीं गया, आम्र आदि में नहीं गया, इसलिए अव्याप्ति दोष हो गया है कि नहीं। हाँ इसलिए कहते हैं यहाँ पर अत्रापि शब्द से, हाँ अत्रापि मतलब यहाँ पर भी, जैसे पृथ्वी का लक्षण वहाँ पर किया था ना रूपद्वयवत, रूप को लेकर के रूपद्वयवत द्रव्यत्व व्याप्य जातिवत्व, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर रहे हैं, अत्रापि पूर्ववत मतलब पहले की तरह रसद्वयवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम लक्षणार्थो अवशेयः, ऐसा ये नाना रसवत्वम लक्षण के अर्थ को निश्चय करना चाहिए, अवश्य मतलब निश्चय, निश्चय कर्तव्य, निश्चय कर लेना चाहिए यहाँ पर भी है ना। तो कैसे हो जाएगा लक्षण, रूप ये क्या रूप नहीं, रस द्वयवत जहाँ पर दो रस होता है उसको लो है। हाँ जैसे मीठा मीठा आम हो गया, पहले अम्ल रस था अब यह मधुर रस हो गया, तो रस द्वयवत हो जाएगा आम्र पृथ्वी, उसमें वृत्ति है द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व और जातिमत्व सकल पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही पदकृत्य उसी प्रकार का ले लो, पहले जैसे पृथ्वी में हुआ ना रूपद्वयवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्तम पहले जो किया, समझ में है ना, वहाँ पर जैसे
पदकृत्य हुआ, यहाँ पर भी पदकृत्य ऐसा समझ लेना चाहिए। कैसे? देखो, रस द्वयावत वृत्ति नहीं देंगे, द्रव्य तो व्याप्य जाति मतम कहेंगे, तो कहाँ पर लक्षण चलेगा? अन्य पृथ्वी में तो जाएगा और जल आदि में भी चला जाएगा, ठीक है। और रसद्वयावत वृत्ति देंगे तो केवल पृथ्वी में जाएगा, हैं, क्योंकि जल में जो है, जल आदि में जो होता है, ऐसा है क्या? वहाँ पर तो एक ही रस होता है, अन्य रस नहीं होता है कि नहीं? जल में जो जलत्व जाती है वो रसद्वयावत वृत्ति है, लेकिन द्रव्यत्व व्याप्य जाती है, जलत्व जाति है, लेकिन क्या नहीं है? रसद्वयावत वृत्ति नहीं है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? जलत्व। हाँ, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, और द्रव्यत्व व्याप्य नहीं देंगे तो रसद्वयावत वृत्ति जाति कौन हो गई? सत्ता। क्या द्रव्यत्व व्याप्य नहीं देंगे तो जाति से किसको ले लेंगे? सत्ता को ले लो। हाँ, तो रसद्वयावत हो जाएगा आम्र रस, ये आम्र आम्र फल, और उसमें द्रव्यत्व व्याप्य, ये द्रव्यत्व व्याप्य तो नहीं दिया, जाति कौन है? आम्र में सत्ता रहेगी, तो रसद्वयावत वृत्ति जाति कौन हो गई? सत्ता। और जाति मत सारे द्रव्य हो जाएंगे, हैं, और गुण भी हो जाएगा, कर्म भी हो जाएगा, है ना? तो रसद्वयावत वृत्ति जाति मतम सही में चला जाएगा, सारे द्रव्य में भी चला जाएगा कि नहीं? हाँ, और गुण में भी जाएगा, कर्म में भी जाएगा, आ गया? इसलिए द्रव्य तो व्याप्य देंगे तो सत्ता को नहीं ले सकते, ठीक है ना? लेकिन जाति पद नहीं देंगे तो, जाति पद नहीं देंगे तो श्यामदेव याद है तुमको? जाति पद नहीं देंगे तो धर्म को ले लो। हाँ, कौन सा धर्म? जल पृथ्वी अन्यतरत्व। क्या लेंगे? जल पृथ्वी अन्यतरत्व धर्म को लो, ठीक है। हाँ, वो द्रव्यत्व का व्याप्य है क्या? कौन? जल पृथ्वी अन्यतरत्व, यत्र यत्र जल पृथ्वी अन्यतरत्वम तत्र तत्र द्रव्यत्वम है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ? नहीं है यत्र यत्र जल पृथ्वी अन्यतरत्व। जल पृथ्वी अन्यतरत्व कहाँ रहेगा? जल में भी रहेगा, पृथ्वी में भी रहेगा, तो जल में ले लो। तो जल पृथ्वी अन्यत्र जल में है कि नहीं है? उसमें द्रव्यत्व भी है, ये है ना? हाँ, इसलिए रसद्वयावत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य धर्म कौन हो गया? जलत्व, ये क्या बोलते हैं, नहीं अन्यतरत्व हो गया, धर्मावत हो गया, जल भी हो गया, होगा कि नहीं हो गया, बोलिए। हाँ, मतलब जल में अतिव्याप्ति होगी, किसमें होगी? जल में अतिव्याप्ति होगी। अभी भी नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? नहीं आया भाई। रसोदयावत हो जाएगा आपका आम्र, है कि नहीं? आम्र है कि नहीं है? उसमें द्रव्यत्व व्याप्य धर्म कौन है? जल पृथ्वी अन्यतरत्व, है कि नहीं? धर्म से किसको लिया? द्रव्यत्व व्याप्य जो जल पृथ्वी अन्यतरत्व, है कि नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? और धर्मावत, धर्मावत पृथ्वी भी है और जल भी है कि नहीं? क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा अभी भी?
हाँ, तो धर्मों से किसको लिया है? हाँ, तो वो धर्म कहाँ रहेगा? दोनों में रहेगा, जल में भी रहेगा, पृथ्वी में भी रहेगा। हाँ, धर्म बाद पृथ्वी को लेकर के पृथ्वी में तो लक्षण चला जाएगा, हाँ, लेकिन जल में भी जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। हाँ, इसलिए क्या करेंगे? जाति लेंगे। तो जाति है क्या? जल पृथ्वी अन्य तत्व नहीं है जाति। हाँ, जाति कौन होगी? पृथ्वी तो जाति होगी, द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वी हो जाएगी। ओके कि नहीं होगी? चलो, ये पहले की तरह समझ लेना चाहिए। आगे चलो, आप कहते हैं गंधस्तु द्विविध मत कह रहे हैं, गंधस्तु द्विविध में तो देखो, द्विविधा गंधवत्वम क्या लक्षण करेंगे? द्विविधा गंधवत्वम, तो द्विविधा गंधवत्वम जो लक्षण कर रहे हो, गंध का क्या विशेषण हुआ? द्विविधत्व हो गया विशेषण, ये तो व्यर्थ विशेषण हो जाएगा, क्योंकि गंधवत्तम प्रतिव्याह लक्षण करेंगे तो कोई दोष है? कोई दोष तो है ही नहीं है। समवाय ना गंधवत्तम करेंगे तो कोई लक्षण, लक्षण में तो कोई दोष है ही नहीं। और द्विविध विशेषण व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या दोष हुआ? व्यर्थ विशेषण घटितत्व दोष हुआ है। ये लक्षण में व्यर्थ विशेषण घटितत्व आया, सामने सुन रहे हो? ये भी कहाँ चला गया? हाँ, लक्षण में व्यर्थ क्यों? हाँ, क्योंकि गंधवत्तम प्रतिभा लक्षण करेंगे तो लक्षण में कोई दोष तो है ही नहीं। हाँ, कोई अतिव्याप्ति आदि दोष यदि निवारण होता है, हाँ, लक्षण लक्षण में अतिव्याप्ति आदि दोष यदि ना होता हो तो विशेषण व्यर्थ होता है ना? तो गंधवत्तम प्रतिभा लक्षण करेंगे, विवक्षा से तो समवाय संबंध वगैरह ले लो सब, है कि नहीं? तो कोई दोष तो है ही नहीं, है ना? इसलिए लक्षण जो कोई दोष है, कौन सा लक्षण कह रहे हो? कहाँ विशेषण दिया है? द्विविधा, अरे क्या कह रहा है? देखो, द्विविधा द्विविधा के ऊपर चल रहा है अभी, किसके ऊपर चल रहा है अभी? हाँ, लक्षण कर रहे हो ना अभी, द्विविधा गंधवत्वम ये लक्षण कर रहे हो, तो गंधों का क्या विशेषण हुआ? हाँ, द्विविधत्वम, तो विशेषण क्या हुआ द्विविधत्व? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, तो द्विविधत्व जो विशेषण हुआ गंध का, यहाँ तो इसका क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन तो है ही नहीं लक्षण में, है कि नहीं? केवल, हाँ, केवल गंध को लो लक्षण में, द्विविध को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो गंधवत्तम प्रतिव्या लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति आदि कोई दोष तो है ही नहीं, सुनते कि नहीं? उस समवाय विवक्षा आदि सब कर लेंगे तो कोई दोष तो है ही नहीं। तो लक्षण में कोई दोष जब है ही नहीं, तो गंध का कोई विशेषण दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है, सुनते हो ना? हाँ, इसलिए लक्षण के अंश में द्विविध विशेषण, तो द्विविध विशेषण नहीं है। जो द्विविध विशेषण देंगे लक्षण में तो क्या दोष आएगा? व्यर्थ विशेषण घटितत्व ये होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ला जो द्विविध जो दिया गया वो लक्षण के अंतर्गत नहीं है, केवल कहना है कि वस्तु स्थिति को कहनी है कि पृथ्वी में दो प्रकार की गंध उपलब्ध होती है, केवल इतना दिखाना है। लक्षण के लिए यहाँ पर द्विविध पद नहीं है। अब समझ रामेश्वर? ठीक है, ये बोलते हैं। हाँ, देखो क्या बोलते हैं, द्विविधा इति वस्तु स्थिति मात्रम, वस्तु स्थिति के लिए कहने के लिए द्विविधा पद है, द्विविधा विशेषण है, न तो द्विविधा गंधवत्तम लक्षणम। ये लक्षण करने के लिए द्विविधा पद यहाँ पर नहीं दिया गया, न तो द्विविधा गंधवत्तम लक्षणम,
हो गया ना, क्यों लक्षण में दे दो द्विविधा सब विशेषण को। बोलते नहीं, द्विविधत्वस्य व्यर्थत्वात्, द्विविधत्व जो है हाँ ये तो विशेषण व्यर्थ हो जाएगा लक्षण में, समझ में ना। अब द्विविध क्या है गंध, बोलते हैं सौरभ असौरभ भेदेना बोध्यम, एक सौरभी गंध और एक असौरभी गंध, हो गया भाई। चलो मतलब पृथ्वी में दो प्रकार के गंध रहती है, इसको सूचित करने के लिए द्विविध शब्द दिया गया। और लक्षण में द्विविधत्व ये विशेषण प्रविष्ट नहीं है, हो गया। आगे चलो, उसके बाद है स्पर्श को लेकर कह रहे हैं भाई, स्पर्श को लेकर देखो 35 नंबर हो गया, 36 नंबर कारी का स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो, यनुष्णासीत पाकजः। हाँ तो कहते हैं कि तस्यास्तु स्पर्शः विज्ञेय, तस्यः कस्यः पृथिव्याः, हाँ षष्ठी का बहु एक वचन, पृथ्वी का स्पर्श ऐसा जानना चाहिए क्या है, अनुष्णा शीत पाकयः, ये बोलते हैं यहाँ पर है ना। पृथ्वी का जो स्पर्श होता है अनुष्णा शीत स्पर्श, कैसा स्पर्श है अनुष्णा शीत स्पर्श, कितने प्रकार के होते हैं, दो ही के तीन है, शीत उष्ण और अनुष्णा शीत, तीन प्रकार का होता है कि नहीं। तो शीत स्पर्श जल में हाँ, और तेज में उष्ण स्पर्श, और पृथ्वी और वायु में कैसा होता है अनुष्णा शीत स्पर्श होता है ना। तो अनुष्णा शीत स्पर्श कहाँ कहाँ रहता है, पृथ्वी में भी रहता है और वायु में भी रहता है, लेकिन वायु में जो स्पर्श रहता है अनुष्णा शीत, वो पाकज होता है कि अपाकज होता है, तो क्या सुन रहे हो वायु का स्पर्श पाकज होता है अपाकज होता है उल्टा कह रहा, पृथ्वी में जो स्पर्श होता है वो पाकज होता है। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च, तर्क संग्रह है ना तर्क, हाँ हाँ ठीक है, इसलिए कह दिया पाकज, समझ में है ना। देखो मुक्तावली में तो आप कहते हैं कि अनुष्णा शीतस्पर्शवत्तम वायु अपि वर्तते इति उक्तम पाकजः, अनुष्णा शीतस्पर्श तो कहेंगे तब तो वायु में भी चला जाएगा, इसलिए क्या बोल दिया पाकज बोल दिया है ना, पाकज कह दिया, पाकात जायते इति पाकजः, ठीक है ना। अब कहते हैं देखो ये पाकज स्पर्श का क्या विशेषण है, है हाँ अनुष्णा शीत, हाँ पाकज स्पर्श का विशेषण क्या हुआ, अनुष्णा शीतत्व हुआ, अनुष्णा शीतत्व। बोलते ये विशेषण भी तो व्यर्थ है भाई, अनुष्णा शीतत्व ये विशेषण भी व्यर्थ है, लक्षण कितना करोगे पाकज स्पर्शवत्वम, क्या कहेंगे पाकज स्पर्शवत्वम पृथिव्या लक्षण करेंगे तो कोई दोष है क्या, कोई दोष तो नहीं है, सुनते हो ना, ठीक है। तो इतना कहना है कि जो पृथ्वी का जो पाकज स्पर्श होता है कौन सा पाकज स्पर्श होता है, बोलते अनुष्णा शीत स्पर्श होता है, बस इतना कहना है। इसलिए यहाँ पर अनुष्णा शीतत्व विशेषण दिया गया, पहले जैसे कहा ना द्विविध रसवत्व है ना, द्विविध द्विविध रसवत्व क्या, द्विविध गंधवत्व, द्विविध गंधवत्व में जो द्विविधत्व वहाँ पर लक्षण के अंश में नहीं है, ठीक इसी प्रकार से अनुष्णा शीत भी लक्षण के अंश में
नहीं है, केवल इतना दिखाना है कि पृथ्वी में जो पाकज स्पर्श होता है कौन सा होता है, अनुष्णाशित स्पर्श होता है ना, आया समझ में? ये लक्षण कितना करना है, पाकज स्पर्शवत्वम पृथिव्या लक्षण, बस इतना ही करना है। और उसना शीत पद देंगे तो अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ अधिक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, हाँ व्यर्थ विशेषण घटित हो जाएगा, यही बात यहाँ पर कह रहे, देखो है ना, जैसे गंध को लेकर समझा इसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लो। इत्थम च पृथिव्या स्पर्श अनुष्णाशित, पृथ्वी में जो स्पर्श होता है वो अनुष्णाशित स्पर्श होता है। इति ज्ञापनार्थम, ऐसा ज्ञापन करने के लिए तत् उक्तम, तत् उक्तम किम उक्तम, अनुष्णाशित इति पदम उक्तम, ठीक है। तब तो फिर लक्षण क्या करोगे, बोलते पाकज स्पर्शवत्व मात्रम तो लक्षणम, पाकज स्पर्शवत्तम पृथिव्या लक्षणम, इतना ही लक्षण करना है, समझ में ना, कितना लक्षण करना है, हाँ यहाँ इतना सुनो, देखो पाकज स्पर्शवत्तम जो लक्षण करोगे तब तो भाई भागा सिद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भागा सिद्धि हो जाएगी ना। देखो सुनो थोड़ा समझाता हूँ, जो लक्षण करते हो ना, लक्षण जो करते हो, लक्षण से किम प्रयोजनम, लक्षण से किम प्रयोजनम, व्यावृत्तिर व्यवहारश्च लक्षण से प्रयोजनम, जो लक्षण जो करते हो उस लक्षण को हेतु बना करके है ना, लक्ष्य में इतर भेद का ज्ञान कराना, ये होता है लक्षण का प्रयोजनम, है ना। जैसे गंधवती पृथ्वी कह दिया तो गंधवत्तम हो जाएगा लक्षण, और पृथ्वी लक्ष्य, और पृथ्वी में इतर भेद का अनुमान करना पड़ता है, नहीं अनुमान किया जाता है, पृथ्वी इतर भेदवती गंधवत्वात्, व्यतिरिक अनुमान होता है ना, यन्नेवम तन्नेवम यथा, बोलो यथा जलादिकम, जलम जलादिकम, बराबर ना। ठीक इसी प्रकार से है ना, गंधवत्व को लक्षण बना करके हेतु किया, इतर भेद सिद्ध किया, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी करोगे, लक्षण क्या हुआ, स्पर्शवत्व, पाकज स्पर्शवत्व, क्या लक्षण हुआ, पाकज स्पर्शवत्व, पाकज स्पर्शवत्व को आप हेतु बनाओगे, हेतु लक्ष्य के पूरे में रहना चाहिए कि एक देश में रहना चाहिए, पूरे में रहना चाहिए, एक देश में, लक्ष्य के एक देश में रहेगा तो भागा सिद्धि दोष हो जाएगा, है ना, तो सभी में इतर भेद का ज्ञान नहीं करा पाएगा ना। जिस लक्षण को आप हेतु बना रहे हो है ना, ठीक है ना, वो तो लक्ष्य में इतर भेद का पूरा ज्ञान नहीं करा पाया, लक्ष्य के एक देश का है, एक देश का इतर भेद ज्ञान कराएगा तो क्या दोष होगा, भागा सिद्धि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भागा सिद्धि बोलते हैं, है ना। कैसे, देखो बताता हूँ, तो न्याय मत के अनुसार जो है ना, वो तो परमाणु में पाकज स्पर्श होगा, कहाँ पर नहीं होगा, पट में नहीं होगा भाई, कहाँ पर नहीं होगा, पट में नहीं होगा। और वैशेषिक अनुसार जो है ना, तो वैशेषिक अनुसार तो परमाणु में ही मानते हैं, है कि नहीं, हाँ, और अवयवी में तो मानते नहीं हैं, क्या समझ में कि नहीं, हाँ, तो वैशेषिक के अनुसार कहाँ पर कहा रूप, पहले पृथ्वी परमाणु में, हाँ वैशेषिक के अनुसार पृथ्वी परमाणु में क्या होता है, रूप होता है कि नहीं, और अवयवी में क्या, अवयवी में, अवय में नहीं होता है, और न्याय के अनुसार घट में होगा और वो परमाणु में नहीं होगा, तो क्या हुआ कि नहीं हुआ, देखो है ना, तो क्या दोष हुआ बताओ, हाँ एक भाग में गया एक भाग में नहीं गया, तो सकल पृथ्वी में इतर भेद का ज्ञान कराया नहीं, क्या, क्योंकि सकल पृथ्वी में पाकज स्पर्शवत्व लक्षण रहना
चाहिए। तो क्या दोष हुआ भाई? भागा सिद्धि बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं भागा सिद्धि दोष बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे और स्पष्ट हो जाएगा आपको, अनुमान में आएगा तो बताएंगे, है ना। अनुमान अनुमान तो प्राण है भैया का। चलो, इसलिए बोलते हैं लक्षण करना चाहिए। यद्यपि पाक स्पर्श पटादो नास्ति, ये देखो पाकज स्पर्श पटादि में नहीं रहा, समझ में कि नहीं। तथापि तथापि आदि से क्या लेंगे? पटादो, आदि से घट भी ले लो अथवा अवयव भी ले लो, है कि नहीं। हाँ, अवयव भी ले लो। हाँ, कुछ कुछ लोगों के मत में अवयव में नहीं रहता है, और कुछ लोगों के मत में कहाँ नहीं रहता है, अवयवी में नहीं रहता है। कोई कहता अवयव में होता है, कोई कहता अवयवी में नहीं, आ कोई कहता अवयवी में है, आ कोई कहता अवयव में नहीं। है कि नहीं, मतांतर है कि नहीं है, है ना। इसलिए पटा दो नास्ति पाकज स्पर्श, तथापि फिर भी यही लक्षण कर दो पहले की तरह, भाई समझ लो। पाकज स्पर्शवाद वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम अर्थो बोध्य, लक्षण का यही अर्थ समझना चाहिए। समझ में आ गया भाई? क्या तो पदकृत तो जानते हो सब, एकदम स्पष्ट ही है ना। पहले की तरह पदकृत है, हो गया ना, ऐसा बोलते हैं। क्या कहा है पर? पाकज स्पर्शवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम अर्थो बोध्य। ठीक है, इतने में रखें क्या? इतने में रखते हैं, ये हो गया पूरा। इति पृथ्वी निरूपणे पृथ्वी लक्षणम कथनम, आगे किसका आएगा? आगे आगे पृथ्वी का ही है, पृथ्वी का भेद आएगा, पृथ्वी का भेद। हाँ, वो कारिका को ले लेते हैं पहले, कारिका को, 36 नंबर कारिका। नित्या नित्या च साद्वेधा, बोलो नित्या नित्या च साद्वेधा। नित्या सात अणुलक्षणा। हाँ, देखो, हाँ पृथ्वी का लक्षण कर दिया, अब भेद कर रहे हैं। देखो पृथ्वी दो प्रकार की है, नित्या अनित्या च, सा पृथ्वी द्वेधा, नित्या अनित्या च। नित्या परमाणु रूपया, है ना, परमाणु स्वरूप जो पृथ्वी है उसको क्या बोलते हैं? नित्य, क्योंकि उसका प्रागभाव नहीं होता, प्रागभाव अप्रतियोगितम ध्वंसा प्रतियोगितम। और अनित्य कौन? कार्य रूप अनित्य, ये सब आगे आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।